अज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करो। डाउटनट ते होंगे तुहाडे सारे 6वीं तो 12वीं क्लास दे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री अते बायोलॉजी दे डाउट दा सफाया, ओ भी पंजाबी विच। बस अपने प्रश्न दी फोटो खिंचो, उसनू क्रॉप करो अते तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अते अजेहे ही होर वीडियो देखन लई डाउटनट पंजाबी यूट्यूब चैनल नू सबस्क्राइब करो। हेलो एवरीवन, सानू क्वेश्चन दिता गया कि इन द गिवन फिगर डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। ठीक है, सानू एक फिगर दिती गई है ते आपां दसना कि जिहड़ी लाइन एल ते एम पैरेलल है कि नहीं। सानू विच जिहड़े दो एंगल भी दिते गए हैं। ठीक है, आपां जिहड़ा थर्ड एंगल आपां इहनू पी अज्यूम कर लैंदे। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व किदा करेंगे, आपां करेंगे इफ एल इज पैरेलल टू एम दैन एंगल पी इक्वल टू 44 डिग्री यूजिंग alternate interior angles। ठीक है, alternating interior angles की property तो लवेंगे जी एल ते एम पैरेलल है तो सानू एंगल पी की वैल्यू 44 डिग्री आनी चाहिए है। ठीक है, तो आप हम एंगल पी की फाइंड करेंगे वैल्यू। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पी। ठीक है, तो आप एंगल पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਔਨ ਲਾਈਨ ਐਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਪੀ ਪਲੱਸ 126 ਡਿਗਰੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ। ਕਿਉਂ ਐਂਗਲ ਔਨ ਅ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਐਂਗਲ ਔਨ ਅ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਐਂਗਲ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਈ, 180 ਮਾਈਨਸ 126 ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਗਈ 54 ਡਿਗਰੀ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਐਂਗਲ ਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸਾਨੂੰ 54 ਡਿਗਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਐਂਗਲ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 44 ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 44 ਡਿਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੋਂ ਐਂਗਲ ਐਲ ਤੇ ਐਮ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋ ਸਿੰਸ ਐਂਗਲ ਪੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 44 ਡਿਗਰੀ, ਸੋ L is not parallel to M। ठीक है, सो यही सानू प्रूव करना सी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।